हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आस्था आर्टवर्क। तो आज के इस वीडियो में हम नोज़ और लिप्स को ड्रॉ करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने नोज़ को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल किया है, जहाँ पर डार्क वाला एरिया था। नोज़ पे जो थोड़ा सा डार्क स्किन टोन है उसे ड्रॉ करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बीवर ब्राउन कलर का। तो नॉर्मली मैं ब्रूस्टो का 24 शेड्स वाला स्किन टोन यूज़ करती हूँ, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर आपको कलर सजेस्ट कर रही हूँ। अगर आप कोई और कलर्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो रेफरेंस फ़ोटो से कलर्स को मैच कर सकते हैं। अब ब्लश के लिए हम इस्तेमाल करेंगे बेबी पिंक कलर का, और जो नोज़ के टिप वाला हाईलाइट है उसे अभी के लिए हम ब्लैंक ही छोड़ देंगे। तो गाइस, जो अभी तक हमने दिया वो बेस लेयर था। अब इसके ऊपर से डॉन और पीच पफ कलर दोनों का इस्तेमाल करते हुए हम इस पे ऊपर एक और लेयर देंगे। और एक और लेयर ऐड करते वक्त आपको ध्यान देना है कि आप बहुत ही आराम आराम से सर्कुलर मोशन में कलर करें और बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रोक्स लगाएं, अगर आप स्ट्रोक्स लगा रहे हैं तो। स्किन को स्मूथ ड्रॉ करने के लिए सर्कुलर मोशन ही बेस्ट होता है। अब जो नोज़ पर शाइनिंग वाला एरिया है उसे हम वाइट कलर से हाईलाइट कर देंगे। अब आते हैं लिप्स पर। तो लिप्स की आउटलाइन को सबसे पहले हम थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे इससे डार्क कलर से, ताकि हमें ड्रॉ करने में आसानी हो। और लिप्स को ड्रॉ करते वक्त हम स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करेंगे, ताकि जो लिप्स है ज़्यादा राउंडेड दिखे और उसमें अच्छे से फिनिशिंग आए। तो बेस कलर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कोरल। अब हम पिंक और रेड कलर का इस्तेमाल करते हुए लिप्स को शेड करेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी सारे शेड्स इस्तेमाल हो जाते हैं पिंक और रेड के, तो आपको ध्यान से रेफरेंस इमेज को ऑब्जर्व करके इसको ड्रॉ करना है। अब जो लिप्स में लाइन्स है उसे हाईलाइट करने के लिए मैं एक कटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे आपको बस छोटे छोटे स्ट्रोक्स ड्रॉ करने हैं जहाँ पर आपको हाईलाइट्स चाहिए। अब हम बाकी का स्किन वाला एरिया भी सेम तरीके से कलर कर लेंगे। बेस लेयर में डार्क कलर से हम शेडिंग देंगे, फिर उसके ऊपर लाइट कलर से लेयरिंग ऐड करेंगे। बाकी आप ऑब्जर्व कीजिए और इन्जॉय कीजिए इस वीडियो को। तो गाइस, होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और भी ट्यूटोरियल्स के लिए।